लेकर। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी समय से एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि बेरोजगारी को लेकर भी काफ़ी आंदोलन हुए हैं, भोपाल के अंदर हो या मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह आंदोलन हुए। एक तरफ तो हम क्या है रोजगार मांग रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, हमारी शिक्षा को ही ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि जो शिक्षा नीति है 2020, इससे क्या होगा, ये शिक्षा नीति नहीं है, शिक्षा देने की नीति नहीं है, बल्कि धीरे धीरे शिक्षा को ख़त्म करने की नीति है। अगर हम इसको तरीके से अगर समझने की कोशिश करें अगर, तो जो जैसे कि आज के समय कई छोटे छोटे गाँव में आसानी से हमारे सरकारी स्कूल अवेलेबल हो जाते हैं, शहरों में सरकारी स्कूल अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो दलित है, शोषित है, आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने सदियों तक पढ़ने का भी नहीं सोचा था, लेकिन अब कुछ दशक से, कुछ समय पहले से वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अपने पुराने व्यवसाय से आगे आके शिक्षा प्राप्त करके नए नए जो है ये इस समाज में, सरकार में, या फिर हम बोलें कि हमारे बीच में वो भागीदारी बन रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब इस शिक्षा नीति के माध्यम से क्या किया जाएगा, उनको धीरे धीरे वापस वैसे ही बैकफुट में पीछे ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके आसपास स्कूल अवेलेबल नहीं होंगे। इस शिक्षा नीति से क्या होगा, 10-15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल बनेगा, बाकी जो सरकारी स्कूल हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, वो बंद कर दिए जाएंगे। अब वो जो व्यक्ति है जो गरीब घर से फैमिली से बिलोंग करता है, वो लोग शिक्षा लेने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर उनको जाना पड़ेगा और कई परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं या फिर शिक्षा लेने लायक वो स्थिति में नहीं है। अब जैसे कि आप लोगों ने कई रिपोर्ट्स वगैरह देखी होंगी कि यूएन कभी रिपोर्ट पेश करता है तो कभी कोई मैगजीन रिपोर्ट पेश करता है, तो यूएन ने रिपोर्ट पेश करी अभी 2016 तक की रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देश में बोला गया कि 28% तक गरीबी है, बाकी सब गरीबी रेखा से ऊपर है। अब ये गरीबी डिसाइड क्यों कैसे की गई है, 20-30 रुपए डेली जो खर्च करता है वो गरीब नहीं है, तो अगर व्यक्ति 20-30 रुपए गरीब व्यक्ति नहीं है तो वो 15 किलोमीटर जाने के लिए 50 रुपए किराया कैसे दे पाएगा या व्यवस्था कैसे करेगा पढ़ने के लिए। अब वहाँ पर स्कूल है, फ्री तो रहेगा नहीं इस नीति के अकॉर्डिंग, वहाँ भी क्या होगा उनको पैसे लगेंगे। तो इस प्रकार से जो पिछड़े व्यक्ति जो नहीं पढ़ पा रहे थे वो वापस वैसी स्थिति में फिर चले जाएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात आती है कि शिक्षा की, तो बात काफ़ी लोगों ने, साथियों ने बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन रोज़गार भी कंटिन्यू मांगा जा रहा है, तो ये एक बहाना हो जाएगा रोजगार, ये एक नीति है ना रोज़गार ख़त्म करने या उसकी मांग जो कर रहे हैं ना इसको ख़त्म करने का भी एक बहाना मिलेगा इनको, क्योंकि आपने देखा 5+3+3+4, तो इसमें क्या हो जाएगा जो एक जो 3 वाला हमारा एरिया है जहाँ पर 5 to 8 क्लास तक इनको कटिंग का काम सिखाया जाएगा या समोसा चाय बनाना इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी बेसिकली, अगर हम बात करें क्योंकि हमारे साथियों ने बताया हुआ है, तो आपका रोज़गार मांगने का भी फंडा यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको हमने पहले से शिक्षा हमारे स्कूल में हम सिखा चुके हैं कि आपको चाय का ठेला कैसे लगाना है, आपको बाल कटिंग करना है तो कैसे करना है, आपको जो है वेल्डिंग का काम सीखना है तो कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में सिखा दी गई है कि आगे चलकर भविष्य में जब आप ग्रेजुएट हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो रोज़गार ना मांगे, सरकार को परेशान ना करें। तो ये सारी चीज़ें समस्याओं से बचने का ही पूरा ये तरीका है। बाकी हमारे साथियों ने बहुत कुछ यहाँ पर जो है अपने विचार रखे हुए हैं, तो हम इस शिक्षा नीति के खिलाफ भी हैं और हमारा हमेशा समर्थन रहेगा, और आप सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा पूरे मध्य प्रदेश के साथियों का कि गत कुछ वर्षों से हम लोग आंदोलन रोजगारी के खिलाफ भी कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा जनसैलाब साथ में आ रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, आपने देखा होगा 18 अगस्त को बहुत बड़ा जनसैलाब था जिसमें काफ़ी लाठियां चली थी शिक्षकों पर भी, स्टूडेंट्स पर भी, और उससे पहले भी 4 सितंबर को भी एक आंदोलन किया गया था जिसमें भी काफ़ी लाठी चार्ज, बल्कि 2 बसों को भरकर जेल में मतलब पुराने जेल ले जाया गया ताकि परेशान किया जाए, ऐसे शिक्षक दोबारा आवाज़ ना उठाएं, क्योंकि कोई शिक्षक, मैं अकेले शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि टीचर तो एक होगा लेकिन स्टूडेंट तो 1000 आते हैं वहाँ पर, लेकिन उस एक टीचर के कहने पर आते हैं। तो मैं ये भी आगाह करूँगा कि अगर मेरे बीच में यहाँ पर शिक्षकगण भी बैठे हुए हैं तो आप लोग भी कृपया थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि कभी भी ऐसे सोशल इशू या कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं तो आप लोगों का एक आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि आपसे काफ़ी लोग जुड़े होते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मंच पर, क्योंकि मैंने काफ़ी समय ले लिया है यहाँ पर, समय का भी अभाव है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे हमारा
जो मध्य प्रदेश है वो जाग रहा है, और ये शिक्षा नीति का हम जोर और पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा बचाने के लिए छात्र आंदोलन तेज करो, आंदोलन की चिंगारी को स्कूल कॉलेज में फैला दो, आंदोलन की चिंगारी को गांव शहर में फैला दो, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी ताकत हमारी एकता जिंदाबाद। ज्ञान को बर्बाद करने वाली नहीं शिक्षा नीति, वापस लो। साथियों, इसी के साथ ये आज का राज्य स्तरीय कन्वेंशन हम यहाँ समाप्त करते हैं, और शिक्षा